हमें क्या मिल सकता है उससे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन के लिए आपने सुन, बड़ी सारी स्टोरीयां सुनी होंगी एक चांदनी चौक में केस हुआ था एक लेडी थी जिसको पूरे जन्म के एक-एक इवेंट -एक एक एक मालूम था वो जाके एक-एक चीज को आइडेंटिफाई कर देती है कि ये मेरा ये है अभी एक और बड़ा रिसेंट केस हुआ था भूटान के रॉयल फैमिली से एक छोटा बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में आता है और एक एक जगह को एक एक चीज को आइडेंटिफाई करता है तो हम इसको साइंस की नजर से कैसे रिलेट कर सकते हैं तो एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू है इसका कि हम साइंस से इन चीजों को कैसे ओवरव्यू एक मिनट एक मिनट में मिन, मिन, हाँ जी तो ये एक जनरल समझने के लिए ह्यूमन साइकिल है बच्चा पैदा होता है से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करते 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 हैं है। इंसिडेंसी जैसे क्या हुए जो उसको बोधर करते हैं वो हमारे पास से कैसे रिलेटेड है उस पास्ट में हम कैसे जा सकते हैं उस पास्ट को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हम अपने आज को और फ्यूचर को ठीक कर सकें दोबारा दे so, से करेंगे। सबसे पहले हम इंसान को किसी चीज से कैसे कंपेयर कर सकते साइंस के बेस के ऊपर हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं तो ये एक पिक्चराइजेशन है बहुत पुराना पिक्चराइजेशन था इसके अंदर आप सब जैसे देख पा रहे हैं कि एक युवा है जो अपने फादर को पहले बचाने की कोशिश करता है अपनी वाइफ और बच्चे को बाद में बचाने की यानी कि इसका प्रेजेंटेशन सिंपल सा ये है कि हम अपने पास्ट को सुधारे बिना अपना प्रेजेंट नहीं सुधार सकते अपने प्रेजेंट को सुधारे बिना अपना फ्यूचर नहीं सुधार सकते हैं एक बड़ा सिंपल सा मैं कोरिलेशन आपको देता हूँ उसके तक कैसे एग्जैक्टली लाइफ चलती है इसको हम मेजोरिटी लोग जानते हैं वी ऑल नो दिस आई होप वी ऑल नो दिस पिक्चर अगर कोई नहीं जानते तो प्लीज टाइप नो इन द बोक्स सो द्लेन दिसो मैं थोड़ी ओके दिस इज सोफिया रोबोट है जो इंसान की तरह काम करता है इंसान की तरह सोचता है और ये पहला रोबोट है जिसको सिटीजनशिप दी गई है फर्स्ट सिटीजनशिप दी गई है सऊदी अरेबिया ने दी है इसको और ये इसके इंटरव्यूज काफी सारे दिखाए गए हैं इसके फेशियल एक्सप्रेशन है सोच है जैसे आज के टाइम में घरों के अंदर अलेक्सा आ गई है उसको कुछ भी बोलेंगे अलेक्सा आपको जवाब देगी आपके अलार्म सेट कर देगी इसको काफी कवरेज मिला है सोफिया को और इसके बाद में और भी काफी सारे रोबोट्स जो हैं मॉडिफाई होके आगे हमारे पास में ये इसको काफी कवरेज मिला सोफिया द रोबोट हुआ रोबोट अब हम इसको देखते हैं तो दिस इज ए मसी अगर पुराने पिक्चर्स को देखते हैं तो ये हार्डली कैन मेक आउट अगर हम इसके हेयर वगैरह और ठीक कर देंगे तो हम लोग इसको लाइव वीडियो कभी इतना टाइम नहीं आता अदरवाइज मैं आपको लाइव वीडियो दिखाता इसकी इसको देखते हुए आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये मशीन है दिस इज अमन बीइ एग्जैक्टली ह्यूमन क्या बिहेव करती है एक्जैक्टली exactly एक्सप्रेशन आते हैं हर चीज का आपका जवाब देगी सब कुछ गूगल फिटेड है इसके अंदर तो बेसिक आइडिया मेरा दिखाने का ये था कि हम इंसान को अगर कंप्यूटर से कंपेयर करें हम सब लोग आजकल मोबाइल चलाते हैं लैपटॉप चलाते हैं अगर कंप्यूटर से हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं तो हम पाएंगे कि हम बिल्कुल एकदम इनकी तरह बिहेव करते हैं अब हम अगर कंप्यूटर की बात ही करी जाए तो मैं अगर इंसान हूँ अगर मैं अपने आप को मान लूँ कि मैं बहुत हाई फाई एक रोबोट हूँ और एक हार्ड डिस्क से कनेक्टेड हूँ जहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वेबसाइट है मेरी

वाईफाई जोन में आज सब घरों के अंदर वाईफाई फाई है जैसे ही हमारे मोबाइल वाईफाई जोन में आते हैं दे स्टार्ट वर्किंग उनके अंदर लाइफ आ जाते हैं जिंदा हो जाते हैं मैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा सा आपको इन आ, बताता जाऊंगा ताकि मैं बहुत ज्यादा डेफ्थ में नहीं जा पाएंगे आज टाइम हमारे पास कम है थोड़ा सा बताऊंगा कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है एक है कॉन्शियस माइंड जैसे कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई एंड्रॉइड है कोई विंडो है कीप ऑपरेटिंग ये सिर्फ दस परसेंट है जबकि हम देखते हैं कि जिंदा तो यही है सेम वे ह्यूमन बींग हम लोग जिसको कॉन्सियस माइंड जिससे हम दुनिया चलाते हैं दो, दो चार हैं गर्मी है सर्दी है हमारी सेंसेशन बनी हुई है हमारी विल पावर है लॉजिकल थिंकिंग है क्रिटिकल थिंकिंग है तो ये सिर्फ माइंड का दस परसेंट पार्ट है नाइंटी परसेंट जो है सब कॉन्शियस माइंड है जो सबकॉन्सियस माइंड मीन जो माइंड हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते और जो कॉन्शियस माइंड ने फिटर बनाए हुए हैं हर मैसेज सब कॉन्शियस माइंड को जाता नहीं है जो मैडम ने बड़े अच्छे से बताया था कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन में जाना कैसे होते हैं तो अल्टीमेटली मेडिटेशन में जाने का मतलब है हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना है और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देनी है जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी कमांड लेगा उसको फिजिकल वर्ड में एग्जीक्यूट कर देगा सबकॉन्शियस माइंड जो है काफ़ी लोग इसको अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं काफ़ी लोग इसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं बड़ी सही टर्मिनोलॉजी बनी है बट मेनली सबकॉन्शियस माइंड कहना बड़ा वर्थ है यही एक्चुअल में ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्मा का अहम बरमाश इसी के ऊपर बेस्ड है कि वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मेरे अंदर भी एज ह्यूमन बीइंग और इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सारी एलकेमि है कि यूनिवर्स चलना कैसे है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो हमारे प्लान से किरने आ रही है जिनको हम वाइब्रेशन बोलते हैं फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं बड़े नामों से जानते हैं हम लेमेंट लैम में वो सब के सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेसर का, का काम करता है जैसे हमारे एंड्रॉइड प्रोसेसर है विंडो प्रोसेसर है उनको पिक करता है उनको एनालाइज करता है जो प्रोग्राम है जैसे हम लैपटॉप पे अगर एच को प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे हमारी एच आ जाती है अगर हम उसको के करना होगा या तो हम उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे या हमें बटन चेंज करना होगा तो सेम वे ह्यूमन माइंड भी एक सोल जो है आत्मा जो है यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम है इसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है जो भी हम इसको इनपुट देंगे जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसके पास जाएगी प्लान की जिसके हम एस्ट्रो रीडिंग करते हैं उस एनर्जी को उन को, बेस्ड ऑन प्रीवियस बर्थ प्रोग्रामिंग ऑफ कैलकुलेशन करता हूं कि मेरे पुराने कर्मों के बेस के ऊपर फल क्या बनता है गोड द क्रिएटर जैसे हम आजकल क्रिएटर बने रोबोट खुद बनाए जा रहे हैं जो बन, जो भी आदमी प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इंजीनियर रोबोट बनाएगा प्रोग्राम करेगा But उसको पावर रहेगी कभी भी रूटीन वाले प्रोग्राम में इंटरफियर उसको करना है तो दैट पर्सन कैन इंटरफियर है, है, है बट कहीं पे गोड चाहता है कि इसको प्रोग्राम को चेंज करना पावर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज कर सकते हैं तो जो हमारा सबकॉन्सिय माइंड है यह सबसे पावरफुल माइंड है नाइनटी परसेंट ऑफ आवर माइंड इज सबकॉन्शियस माइंड इसके अंदर बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे इमोशंस होते हैं हैबिट बनी होती है वैल्यूज बनी होती हैं प्रोटेक्टिव रिएक्शन है हमारे क्रिटिकल फिल्टर्स बने हुए हैं कि कौन सी बात सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड ने जानी है कौन सी नहीं जानी है तो मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगा इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं इमेजिनेशन है इंट्यूशंस हैं है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होती हैं पुराने जन्मों के जो भी कर्माज हैं हर बर्थ के साथ में हर फाइल के साथ हर इवेंट के साथ में स्टोर होते रहते हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं जो मैं आपको एक पिक्चर दिखाई एक और दिखाता हूँ हाँ जो भी हमारा डाटा ये जाता है इस हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है और हमारे अंदर हार्ड डिस्क तो नहीं है वर्चुअल क्लाउड है जिसके अंदर हमारा स्टोर होता है हम अपने अंदर के भी वो डाटा निकाल सकते हैं और हमारी हार्ड डिस्क में वेबसाइट में भगवान से कनेक्ट करके भी हम अपना डाटा निकाल सके हमने कब पहली बार जन्म लिया हमने क्या क्या, क्या किया हमारी जो पांच ज्ञान दरी है उनके थ्रू क्या क्या डाटा हमारे साथ गया क्या क्या हमने स्टोरिंग की वो एक फाइल दर फाइल टाइम दर टाइम इकट्ठी होती रहती है उससे हमारे तीन तरह के कर्मा बनते हैं एक कर्मा बनता है हमारा प्रारब्ध कर्मा जिसको बोलते हैं वो हमें फेस करना ही होता है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं दूसरा बनता है हमारा जिनको हम मोडिफाईजली कर सकते हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजर है हमारे मेजोरिटी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं यहाँ पे छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूंगा कोई भी कर्मा कोई भी इवेंट अच्छा या बुरा जिसके अंदर हमारा लग्नेश और भाग्यस इन्वॉल्व नहीं होते हैं यानी कि जो प्लेनेट हमें कोई अच्छा या बुरा इवेंट दे रहे हैं वो किसी भी तरह से हमारे भाग्यस या लग्नेश से कनेक्ट नहीं होते कंजेक्ट नहीं होते साथ नहीं बैठे हैं एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं कोई भी कनेक्शन किसके स्टार लोड दी बने हैं सब लोड दी बने हैं तो वो वाले कर्मास को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते कोई तरीका भी नहीं है उसमें सिर्फ एक पोजिशन बचती है हमारे पास में रिग्रेसिव थेरेपी से हम अपने हायर सेल्फ बोलते हैं जहां पे स्टोर्ड है हम अपने हायर सेल्फ को रिक्वेस्ट करें कि क्या इसको मॉडिफाई करते हैं आंसर भी वहीं पे मिल जाएगा कर सकते हैं या नहीं करते मेजोरिटी में प्रारब्ध कर्मा चेंज नहीं होते हैं सेकेंडली होते हैं कि जिनके जिन इवेंट जिन में जो प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं हमारे लग्नेश या भागेस, कंजक्ट है एस्पेक्ट है इस तरह से एसोसिएटेड है तो स्पेसिफिक रेमेडी करने से स्पेसिफिक मतलब जिन प्लांट से कनेक्ट है जो प्लांट वो इवेंट दे रहे हैं उनकी रेमेडी करने से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं रेमेडियल मैया आते हैं तीसरे इवेंट ऐसे वाले होते हैं जिनके साथ में ये खुद भागेश और लगनेस हमें कर्मास दे रहे हैं मे बी प्रॉब्लम मे बी गुड थिंग उनको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं तो वो एक जनरल रेमेडीज करने से ह्यूमैनिटी के लिए रेमेडी करने से वी कैन रेक्टिफाई दोस थिंग्स वापस आते हैं हम इस थ्योरी पे काम कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड कौन से माइंडकेबल तो सबकॉन्शियस माइंड को हम फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं एक डिवीजन तो जो हमने फर्स्ट पिक्चर से शुरू किया था जो पैदा होने के बाद में यानी कि इस दुनिया से कनेक्ट होने के बाद में मेमोरीज हमारी फाइल दर फाइल डे बाय डे एक ही मिनट के एक ही सेकंड के बाद में स्टोर होती चली जा रही है टिल अवर डेथ दिस बर्थ इस बर्थ की मेमोरीज को बोलते हैं मॉडर्न मेमोरीज इस जन्म की मेमरीज मॉडर्न है, है और जो मेमोरीज हमारी प्रीवियस जन्म से आ रही है पास्ट लाइफ से आ रही है उन मेमोरीज को हम प्रीमेटिव मेमोरी बोलते हैं वो परमानेंट फाइल होती है तो हमारे पास वर्बल कमांड के टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग इस बर्थ के पुरानी इवेंट और प्रीवियस बर्थ के पुराने इवेंट में जा सकते हैं उनको देख सकते हैं जिसके इवेंट इस बर्थ में Therapy, रिग्रेस करते हैं वापिस जाते हैं जैसे आप एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं एविडेंस बेस्ड साइंस का इससे रिलेट करते हुए एक हार्ड डिस्क लेते हैं हम लोग उस हार्ड डिस्क में एक कंप्यूटर में लगाते हैं कुछ अंदर उसके ऊपर काम करते हैं वो उस सारा उसके अंदर सेव कर देते हैं उससे निकाल के हम अगले कंप्यूटर में लगाते हैं फिर कुछ काम करते हैं फिर उसमें सेव करते हैं ऐसे करते करते घूमते चले जाते हैं लास्ट वाला कंप्यूटर से लेने टेंथ बर्थ है उसका टेंथ मशीन में हमने काम किया हम उसमें वापस जाना चाहें तो पहले वाले कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से हमने जो सेव किया था वो डाटा रिट्रीव कर सकते हैं सेम वे ह्यूमन बींग पे काम करेंगे ह्यूमन बींग पे काम करेंगे तो सेम डाटा हम ह्यूमन पे रिट्रीव करके उन इवेंट पे जा सकते हैं और ये इवेंट पे जाने का जैसा मैंने बताया था सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होते हैं ये वाले कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमें जाना पड़ेगा वर्बल को दी जाती है वर्बल कुमार के थ्रू कॉन्शियस माइंड को लोअर डाउन कर दिया जाता है सब कॉन्शियस माइंड को ऊपर ले आते हैं दे आर फिल्टर क्रिटिकल फिल्टर होते हैं कॉन्शियस माइंड के बाद एक फिल्टर होता है और सब कॉन्शियस माइंड के बाद एक फिल्टर होता है तो इन जब दोनों फिल्टर टूल्स बोलते हैं हम उनको वर्बल कमांड है मुंह से बोलते जाएं, देते चले जाएंगे और जिसको रेक्टिफाई वो उसको फॉलो करता है तो अल्टीमेटली वो अपनी उन फाइलों में जाता है जो इवेंट वो पहले जी चुके हैं इस बर्थ के किसी भी पुराने बर्थ के जब से सोल अर्थ पे ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आई है वहां जाके हम जो इम्प्रेशन और एक्सप्रेसन है लाइफ के हर बर्थ के अंदर हैव इंप्रेशन लिए और सोल ने उसको एग्जिबिट किया ब्रह्मा जी ने उसको किया जो कैलकुलेन हमारे डाली गई है उस के हिसाब से अपने रिजल्ट हमने खुद प्रडिक्ट एनर्जीज को डिस्कनेक्ट भी किया जाता है और एक्टिवेट भी किया जाता है काम की चीज हम एक्टिवेट कर सकते हैं इसके अंदर जैसे लेट अस से हमारे को लाइफ में कोई इश्यू आ रहा है सपोज हेल्थ इश्यू आ रहा है लेफ्ट एग्जाम्पल वो हेल्थ इश्यू कहाँ से आ रहा है उस हेल्थ इश्यू को लेकर हम जब रिग्वेस्ट करते हैं फर्स्ट लाइफ में या इस बर्थ में या कहीं से भी जाके जाएंगे तो नाइन्टी परसेंट डिजीज ऐसी होती है जो रेक्टिफाइबल होती है सिर्फ दस परसेंट ऐसी होती है जो प्रारब्ध करना होती है जो हमें फेस करनी होती है सबस्टेंसियर बोलते हैं उसको हो जाती है कि बोली में आ गई है जैसे ही मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता मैं आई एम ए सर्जन अगर किसी को गोल बैडर में स्टोन आ गया है तो मुझे वो ऑपरेट सबस्टेंस हो गया उसको ऑपरेट तो करना पड़ेगा पर दोबारा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे काम करते हैं सोल पे काम करते हैं सब कुछ से पे काम करते हैं कि तो वो वाला प्रोग्राम एक्टिवेटेड ना रहे जैसे लेट्स टेक एग्जांपल मोबाइल पे व्हाट्सएप को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देखते हैं तो वी गो ऑन द द्प जैसे हम व्हाट्सएप पे जाते हैं हम अपना प्रोग्राम देखें अगर हमने व्हाट्सएप डिलीट ही कर दिया तो वी वॉन्ट बी एबल टू गो टू तो व्हाट्सएप अब हमें करना होगा व्हाट्सएप तो हम अपने सेटअप में जाएंगे सेटअप में जाके फिर से व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से हम एक्टिवेट करेंगे फिर हम उसको व्हाट्सएप पर मैसेज ले पाएंगे सेम वे जो भी एनर्जी थी उस टाइम पे उस इवेंट में जिसकी एनर्जी थी उसी को हम रिवाइंड करके वापस बैक उस बर्थ में ले जाते हैं उस इवेंट में लेके जाते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ I hope everybody एवरीबडी सबको basic concept समझ में आ गया Please type yes अगर किसी को नहीं आया तो no so कुछ और मेरे को explain करना basic concept की background बड़ी जरूरी है सब लोग सुन पा रहे मेरे को किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज टाइप नो बाल किशन जी आपको क्या समझ नहीं आया प्लीज टाइप करें ताकि मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं दोबारा शत्रुघ्न त्रिपाठी जी आपका भी नो आ रहा है प्लीज राइट डाउन एग्जैक्ट मैसेज डालिए क्या समय मिला मैं एक बार समझा दूं क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ इसके ऊपर सब कुछ सुमन जी यू ज्वाइन वेरी लेट इसमें पूरा एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर पाऊंगा बिकॉज लगभग आधा पौना घंटा हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत बड़ा ब्रीफ हो जाता है जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है देख ओवर से मेरे साथ हैं उनमें से किसी को कोई पार्टिकुलर चीज समझ नहीं है तो प्लीज टाइप नो no एंड ओके 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 राजमोहन जी आप भी बारे बाद में जुड़े हैं अब पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता दोबारा क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है जो लोग सब स्टार्टिंग से साथ में हैं उनको कोई पार्टिकुलर चीज समझ नहीं है तो मुझे नो लिख के प्रॉपर मैसेज डालें ताकि मैं उसको इन ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकूं जो बाद में ज्वाइन उनको भी थोड़ा सा आइडिया दे पाऊं। सबको समझ में आ गया गुड सो so, मैं आपको मेरे पास ये बहुत क्वेरी आती है कि मैं सर्जन होकर इन चीजों को कैसे बिलीव करता हूँ इन चीजों को कैसे काम करता हूं मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको मेरा बेटा बर्थ से बिल्कुल ठीक था पांच साल की एज में उसको एस्थमेटिकाने लग गए अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मुझे हर साल में कम से कम उसको पांच या छह बार पाँच 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 छे छे दिन के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता तो आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स मैं एक दिन उसको रिगेशन में लेके देखा बेसिकली वो इमिडिएटली पहले बर्थ में चला गया एक पार्टिकुलर नाम था पार्टिकल स्कूल में पार्टिकल जगह पे पढ़ता था एक्सकर्सन के लिए एक्सकर्सन बच्चे स्कूल में घूमने के लिए बांग्लादेश में जाते हैं वहां पे लोकल राइट हो जाते हैं लोकल राइट होते हैं तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो है कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं छुपने की जगह ढूंढने से इनको एक कोई वहाँ की आदमी का प्लेन बता रहे हैं वहां का एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है ये लोग उसमें चोपर के, के, इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी बट वो इवेंट हो चुका है आज वो रोक नहीं सकते वो उस इवेंट में चले जाते हैं जैसे राइड करते हैं थोड़ी हाइट पे जाने के बाद में उसमें ब्लास्ट हो जाता है कुछ लोग दो चार फ्रेंड में से कुछ लोग उसी ब्लास्ट के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं और मेरा बेटा पार्टिकुलरली उससे प्लेन एरोप्लेन से बाहर जंप कर जाता है जैसे जंप करता है एयर प्रेशर चेंज होता है और उसको फीलिंग आती है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं लास्ट फीलिंग वो लेके जाता है कि आई कैन नॉट ब्रीद आई कैन नॉट ब्रीद आई कैन नॉट ब्रीद मुझे सांस नहीं आ रहा है एंड अल्टीमेटली गिरता है और एक पार्टिकुलर साइड के ऊपर गिरने के बाद में बॉडी उसकी डैमेज हो जाती है सोल आत्मा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा हम उसको ड्रपोक लेके चलते हैं सेंस कि वो बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से थोड़ा सा पहले बाहर एग्जिट हो जाती है जब उसको लग जाए कि अब बॉडी नहीं बचने वाली है तो बॉडी को पहले एग्जिट कर जाएगी और वो वाली डेथ रजिस्टर नहीं होती है मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे इवेंट जो है उनसे एक्टिवेटेड होते हैं जिनके अंदर में वो पहले वाली डेथ रजिस्टर नहीं हुई है यानी कि वो फाइल क्लोज नहीं हुई है उसको हमने प्रॉपरली लाइब्रेरी के अंदर सेंड नहीं किया हमारे हार्डवेयर में या हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने इसको प्रॉपरली क्लोज करके बंद नहीं किया है तो एक्टिवेटेड रहती है अब इस जन्म में क्या हुआ कि पांच साल के बाद में उसको एक्टिवेट हो गया बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं कहीं पे सिमिलर इवेंट उसने देखा कि ही को नॉट रिलेट बट कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो गेम खेलते हुए कोई और प्लेन क्रैश हुआ सिमिलर इवेंट एविडेंसेस हुए और वो मेमोरी उसकी फिर से एक्टिवेट हो गई जैसे एक्टिवेट हो गई ही स्टार्टेड हैविंग दिस फीलिंग आई कैन नॉट ब्रीद आई कैन नॉट ब्रीद सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो जब ये मैं, इस बात को आज लगभग पंद्रह साल हो गए हैं मैंने उसका सेशन लिया ही जो उन उन दे, दे से ही ऑन ऑन द दैट डे डे सेम से स्टार्टेड आज लगभग पंद्रह साल हो गए हैं तब से आज तक उसको दोबारा नेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी मैंने घर में नेबलाइजर ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ घर में रखा हुआ था तो मैंने किसी को डोनेट कर दिया पंद्रह साल पहले ही एक आध बार बीच बीच में कभी एक बार थोड़ा बहुत उसको हैवी हुआ तो एक दो बार पफ देने पड़े अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पड़ी जो कि साल में छह बार पाँच पाँच छे छे दिन दस दिन तक पेज यूज करता था उस साल पहले अपने पांच सात साल पहले सुनोगे एक बार मनाली के अंदर सेनोंग वैली में काफी बर्फ पड़ी थी और लोग इन ट्रैप हो गए थे right. ये मेरा अपना थी था। फिर मैं इन चीजों को और एक्सप्लोर करना शुरू किया मैं भी आप की तरह था आ, हार्ड कोर वाला हार्डवेयर वाला सर्जन अरे ये सब तो बकवास है यार ये बातें कुछ सब लोगों ने पंडित लोगों की फालतू फैलाई बातें हैं बट फिर मैंने एक्सप्लोर किया बड़े सारे और ढूंढे गए एक और इंटरेस्टिंग इसमें केस आता है मेरे पास बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग केस आई विल आप आप सब लोगों से कनेक्ट करेंगे एक लेडी कनाडा से मेरे पास आती है सी इज बैंकर इंडियन है डाउन इन कनाडा एक और मेरी फ्रेंड है सीज ए डेंटिस्ट फ्रॉम अमेरिका उन्होंने उनको बताया तो सी जस्ट केम मिलने के लिए के एक डॉक्टर है सर्जन है और इन चीजों में बिलीव करते हैं इनके ऊपर काम करते हैं तो आई वॉन्ट टू नो इज वेरी स्पिरिचुअल लगभग हर पर्सनैलिटी को स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी को वन टू वन मिली है जैसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन लेके मेरे पास आती हैं, मैंने उसे दो तीन सवाल पूछे एक आपने मैडम सुसाइड का अटैम्प्ट आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जीना नहीं चाहिए थर्ड वॉज अगेन रिलेटेड टू द सेम इश्यूज कुछ ब्लोटिंग होती थी स्टमक के अंदर उसके तो उसके सामने तो नहीं बोली थोड़ी देर में उनको अपनी फ्रेंड को बाहर बिठा के वापिस के केम डाउन मेरे पास कि सर आप ये कैसे जान गए बीमारियां होती हैं उनसे हम सबसे रिलीव जाती है उससे पहले जब वो स्कूल में जाती है हिमाचल का टाउन है काशी वहां पे उसका बर्थ होता है स्कूल जाती है उसकी एक फ्रेंड होती है जो उसकी उसको फुल्ली प्रोटेक्ट करती लाइक बॉयफ्रेंड like uh, मैं सुनाई दे रहा हूं क्योंकि मेरे को मैसेज आ रहा है कि मेरा इंटरनेट uh, अनस्टेबल है कैन ऑल यू हेयर मी प्लीज टाइप यस ओके 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 दैट इज फाइन मेरे को बीच में एक आई गोट मैसेज के uh, नेट में कुछ इश्यू आ रहे है Uh, शत्रुघन जी आप प्लीज अपनी साइड से चेक करें मेरे को लगभग सबका मैसेज आ रहा है वॉइस क्लियर है आप अपने लेवल पे चेक कीजिए प्लीज तो ब्लोटिंग स्टमक में होती है उनकी इच्छा होती है कि जिंदगी छोड़ दी जाए दो बार सी एक्सेप्टेड के मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया एक बार जनरली एक बार घर वालों को डराने के लिए तो स्टोरी वो क्या बताती हैं जो एक्चुअल जो पास लाइफ में जाने के बाद स्टोरी आती है दो स्टोरी आई एक तो बताई कि दो डराने के लिए और अनवॉन्टेड चाइल्ड फीमेल थी हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है फीमेल को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसकी दादी अपनी दादी पैदा हुई गर्मियों के जून के महीने में पैदा होते ही बाहर धूप में डाल के आगे की मर जाएगी बट उसके दादाजी आए वो उठा के अंदर लेके आ जाते हैं आउट ऑफ सरवाइव स्कूल में जाने लगी तो वहां पे एक उसको फ्रेंड मिलती है जो उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है जैसे बॉयफ्रेंड होते हैं बड़े भाई होते हैं बड़ी बहनें होती हैं बट हफ्ते दस दिन में पंद्रह दिन में उसको पता नहीं क्या होता है मेरे को पकड़ के मां बहन कर देती है मेरी और कहते मेरे को बड़े इरिटेट भी होता था मुझे लगता है ये कोई लाइफ थोड़ी ना देन एट द एज ऑफ फोर्टीन सी गोट मैरिड वही तो लेडी जो उसकी फ्रेंड सीनियर थी वो खड़ी होती है और कनेडा के अंदर जाके भी वो उसकी माँ बहन ऐसे करती है जबकि बैन है देर आर सो मेनी थिंग पुलिस इन्फॉर्मेशन देस पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी एक्टिव उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा करती है अब हमने रिग्रेस रिग्रेस करने का प्लान किया कि इसको करके कहानी कहां से आती है एक साधवी होती है इसी काशी एरिया के अंदर इंद्रानी देवी साधवी काशी के अंदर और वो पूरे हिमाचल में घूम घूम के सत्संग और ये सब करती है एट द एज ऑफ थर्टी एक डेट आती है मेरे पास वाइस रिकॉर्ड है आज मैं एक्चुअल ढूंढ नहीं पाया को। उसके अंदर एग्जैक्ट डेट है टाइम है ईयर है और प्लेस है काशी के अंदर एक मंदिर होता है वहां पे साथ भी इवनिंग का का टाइम है बजे बाहर अंधेरा सा हो रहा है चेयर पे बैठी है पब्लिक उनके पास में आती है और मेडिटेशन करना होता है वो उनसे डिस्टर्ब होके अंदर एक अलग से डार्क रूम में जाके बैठ जाती है वहां पे भी पब्लिक आती है और जब वो पब्लिक वहां पर डिस्टर्ब करती है तो इच्छा मृत्यु ले लेती है अब बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा था ये एक डेट है टाइम है हमारे पास मंथ है ईयर है और इतना प्रोमिनेंट नाम है तो हमने सोचा इसको, इसको इनको रेक्टिफाई तो किया वो है, टूल्स है, वो टेक्निक्स हैं हैं टूल्स हम डिस्कस करेंगे कभी फुर्सत टेक्निक क्योंकि बहुत बड़ा टाइम की भी है बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक और जो प्रैक्टिकल टेक्निकलिटीज हैं जिनको डिस्कस करना पड़ता है तो इसको हमने मैंने सोचा कि ढूंढा जाए मैंने गूगल किया तो एक देवी वेस्ट बंगाल में है जो लिविंग है को नहीं मिल पाया इंद्राणी देवी क्या इतनी प्रोमिनेंट फीचर है तो कुछ टाइम के बाद मेरी एक स्टूडेंट उससे बात हो रही है तो कहती है सर होल्ड ऑन मेरी नानी कुछ कहानी सुनाती होती इंद्राणी देवी की मैं पता लगाती हूँ उसने पता लगाया एक पिक्चर उनके घर में लगी हुई थी इंद्राणी देवी की सेम डेट सेम टाइम सेम ईयर सेम प्लेस और सेम मॉडेलिटी उस पिक्चर के नीचे लिखी हुई थी कि इस टाइम पे इस डेट को इतने बजे इन्होंने इस दिन हालात के अंदर इच्छा मृत्यु ली थी तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग खैर वो रेक्टिफाई किया हमने उसको एंड सीपेड थैंक्स फॉर दैट तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अब हम बेसिकली पास्ट लाइफ से वो तो टूल्स हैं पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं प्रेजेंट लाइफ में कैसे जाते हैं पुराने टाइम में कुछ टूल यूज करके हम आज से एक एक मिनट के अंदर वापस एक एक सेकंड का एक एक इवेंट में जा सकते हैं चाहे इस बर्थ के हो या प्रीवियस बर्थ के हो जब से सोल अर्थ पे ह्यूमन लाइफ जीने के लिए आई है जब से सोल पहली बार अर्थ पे ह्यूमन लाइफ जीने के लिए डीएनए कोडिंग जैसे हुई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया गया उसके एक शरीर दिया गया एक बॉडी दी गई इस टाइम उसको बोलते टाइम एंड स्पेस के अंदर

उसका फल मैं दूंगा क्रिएटर हमारे को बोल रहा है कि उसका फल मैं दूंगा क्योंकि एक प्रोग्राम बना दिया गया है और वो रिजल्ट फिक्स है आपको मिलेंगे अगर कहीं पे चेंज होगा तो दैट पर्सन इज अलाउड जिसने प्रोग्रामिंग की है ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करने आती है फिजिकल वर्ड में आती है सोल जो थियरी उसके पास होती है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसको प्रैक्टिकल करके वर्ड के अंदर देखती है फिजिकल वर्ड के अंदर अब वो प्रैक्टिकल हमारे लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है किसी टाइम में किसी माहौल के अंदर एक इंप्रेशन चला गया सोल का एक्चुअली इसके अंदर पीछे बड़े सारे एक्सपीरियंसिस है मैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को याद आ जाती है बीच बीच में तो मैं आप उनको बता रहा हूँ कैसे इंप्रेशन जाते हैं सोल के एक का का पूरे इंप्रेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जब भी हम हैवी मोशन ले जाएंगे बड़े एक्सट्रीम सैड और बड़े एक्सट्रीम हैप्पी हो जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सोल जो है उनको इम्बाइड कर लेती है इंप्रेशन बना लेती है और फिर उसकी थीसिस के बेस के ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए एक बर्थ के अंदर प्रोग्राम कर देती है तो जब वो प्रोग्राम करने के लिए अर्थ पे आती है तो हमारे लिए कई चीजें सिचुएशन के अंदर बड़ा मैं छोटा सा एग्जांपल इस चीज का आपको बताऊंगा एक बार में एक लेडी आई बिलोंग टू दिल्ली दिल्ली के आसपास में हरियाणा है स्टेट में ये थोड़ा सा ज्यादा है चलन आज की डेट में भी फीमेल को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है अगर फीमेल कंसीव नहीं करती है बच्चे नहीं पैदा करती है तो उसको ताने दे दे के दुखी कर देते हैं पब्लिक तो एक ब्यूटीफुल लेडी सी केम थ्रू सबी कि उसके बच्चा नहीं हो रहा है तीन अटैम्प्ट आई आईवीएफ के कोमली देते हैं डॉक्टर रितु बाबा गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ में तो सी मस्ट भी डॉक्टर रितु बाबा मैडम आप हैं डॉक्टर रितु बाबा मैडम अगर हैं तो टाइप कीजिए यस yes? ने वो वो बताएंगे कि हम आज आईवीएफ के लिए इंटर, आ, आर्टिफिशल फर्टिलाइजेशन के लिए जिनके बच्चे नहीं होते तो उनके लिए यूज करते हैं तो कोमली हम तीन अटैम्प्ट देते हैं उसके बाद में ज्यादातर मना कर देते हैं कि और अटैम्प्ट नहीं करने हमें इसको तो उस इस लेडी के तीन अटैम्प्ट हो चुके थे गैनिक ने उसको मना कर दिया कि आप और अटैम्प मत कीजिए थैंक यू मैडम थैंक यू फॉर विटनेसिंग तो हम लोग क्या मैडम तीन ही अटैम्प्ट देते हैं आईवीएफ के लिए मैडम रितु बाबा प्लीज टाइप क्या हम तीन अटेम्प्ट के बाद बंद कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ओके तो मैडम ने कंफर्म के वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर है मेरी यहाँ पे कॉलेज में वर्ड कॉलेज में एंड वंडरफुल पर्सनैलिटी तो दैट लेडी विजिटेड मी के तीन अटेम्प्ट में कर चुकी हूँ इसके बाद में मेरे को के ने मना कर दिया है पर मैं ऐसी भी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे को बच्चा चाहिए चाहिए कुछ भी कीजिए तो हमने अटेम्प्ट किया कि हम कि रेफरेंस में बता रहा हूँ सोल ले लेती है अगले बर्थ में भी वो बड़े तंग करते हैं और वो एक्टिवेटेड होते हैं तो किसी एक बर्थ में चली जाती हैं मैं नाम अब डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ कि सकता है हमारे बीच में क्राउड में हो तो आर हाईली पर्सनल थिंग काफी सारी चीज लोग डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं तो एक बर्थ में जाती हैं उस बर्थ में उनके दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं वेरी रिच लेडी वेरी रिच लेडी सारा पैसा बच्चों में आमतौर तो पे हम लोग करते हैं फिफ्टीज क्रॉस करते हैं बच्चों में बांट देते हैं और एक शेर अपने पास रख लेती हैं बट बच्चों को फाइनेंशियल लॉसिस हो जाते हैं दोनों बेटे उनकी बहुएं दोनों बेटियां उनके हस्बैंड्स यानी कि चार और चार आठ हो जाते हैं ये पैसे के लिए उसका गला दबा देते हैं तो जब सोल जा रही होती है तो हम उस टाइप पे लेते हैं कि इस बर्थ का लास्ट इंप्रेशन क्या है आपका या इस पार्टिकुलर इवेंट का लास्ट इंप्रेशन क्या है तो सोल इंप्रेशन लेके जाती है कि बच्चे होने से जिंदगी खराब होती है बच्चे ना ही तो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी जाती है ये लास्ट इंप्रेशन था अब ये लास्ट इंप्रेशन सोल के साथ रजिस्टर हो गया अगर बच्चे नहीं हो तो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं बच्चे पैदा हमें नहीं करने चाहिए एंड उसकी लास्ट इंप्रेशन कंटिन्यूस इस बर्थ में आ गई नाउ अब क्या हुआ सब कॉन्शियस माइंड पावरफुल माइंड नाइन्टी परसेंट ऑफ द माइंड अहम बर्माशमी ब्रह्मा एल केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसने यूनिवर्स चलाना है उसके अंदर इंप्रेशन चला जाता है कि बच्चे ना होने जिंदगी अच्छी जी जा सकती है सोल बड़ी सेल्फिश है वो अच्छी जिंदगी जीना चाहती है वो कोई ट्रबल या प्रॉब्लम अपनी लाइफ में इन्वाइट नहीं करना चाहती बट होता क्या है कि चीजें अच्छी बुरी होती नहीं है अच्छी बुरी चीजें इन्वायरमेंट बताता है सर्कमस्टांसिस बना देते हैं तो इंप्रेशन लेके जाते इस बर्थ में वो चीज एक्टिवेटेड है उसके साथ में कि बच्चों के बिना जिंदगी अच्छी जी जा सकती है बच्चे ना होंगे तो आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते Now, हो नाउ प्रॉब्लम खड़ी होगी इस बात के लिए तो देर आर दर टेक्निक्स जिससे हम उस एनर्जी को डीएक्टिवेट कर देते हैं जैसे हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है पहले बताया था मोबाइल में है फेसबुक है व्हाट्सएप है और अदर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमने एक्टिवेट करने हैं प्ले स्टोर में जाते हैं उसको एक्टिवेट करने की टेक्निक है जिसको हमने डीएक्टिवेट करने डिलीट करने की टेक्निक है अनइंस्टॉल करने की टेक्निक है सेम वे ह्यूमन बींग के अंदर हम थोड़े से ज्यादा एडवांस वाले कंप्यूटर हैं हम अपने से ज्यादा अच्छे वाले रोबोट हैं सोफिया से भी थोड़े एडवांस हैं हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग हार्ड डिस्क नहीं है, हमारे पास हम क्लाउड में काम कर सकते हैं सारा डाटा गूगल में स्पेस में स्टोर होता रहता है वहां से उसको मॉडिफाई किया जाता है इलेवन में हालांकि मेडिकल हेल्प उसने ली प्रोपर आईवीएफ नहीं करवाया आईयूआई बोलते आर्टिफिशियल एग्जामिनेशन करना पड़ा और सी केम बॉक्स ऑफ स्वीट्स के मेरे बच्चा हो गया बट सब कुछ नहीं कर सकते हैं वो उसकी सोल का प्रोग्राम वहां जाके देखा गया

कई बार सैड इवेंट हैं डिप्रेशन हैं उनको हम हैप्पी इवेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं कोई भी इवेंट जैसे मैं अभी बताया था कि एच प्रेस करके स्क्रीन पे एच आएगा हम चाहते हैं कि एच प्रेस करके के आए तो हम इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी तो सेम वे सोल का इन वर्ड कुछ पार्टिकुलर कमांड है वर्बल कमांड से कॉन्शियस माइंड को एक साइड दर करके सब कॉन्शियस माइंड में जाके हम उनको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि ये सब कॉन्शियस माइंड के लिए अच्छी चीज है आज के यूनिवर्स के हिसाब से तो उस

हम क्या कर सकते हैं रिग्रेसर में जाके अपने प्रीवियस बर्थ को एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी बर्थ में बड़ा अच्छे फिजिशियन है अच्छे सर्जन है तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं उसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारी स्किल इस बर्थ में और एक, मोडि, मोडिफाई हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाती है और उन टैलेंट्स को हम इजीली थैंक यू मैडम फॉर इंडोसिंग रितु बाबा मैडम थैंक्स लॉट तो उनको अपने एक और मैं एग्जांपल छोटा बताता हूँ एक मेरे मित्र हैं उनको स्पेनिश लैंग्वेज सीखने जाना था वो भी ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल जाने से पहले उसने एक रिग्रेशन करवाया तो कोई एक उसका बर्थ था एज इन द स्पेन उस बर्थ को हम एक्टिवेट करते हैं तो थोड़ा सा भी टीचिंग के बाद में वो काफी अच्छा ग्राफ्ट कर लेते हैं और उनकी टीचर के कॉमेंट्स थे कि आप स्पेनिश सीखने आए हैं सिखाने के लिए आए हैं मैं ज्यादा टेल मोटा मोटा सा लेके चल रहा हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है वो नहीं हो रहा करते रहते हैं होता है हमारे को। अब क्यों है? वो कहीं ना कहीं से पुराने जन्म से इस बार से चीजों के को रिलेट करते करते कभी कभी हम रिलेट करना नहीं चाहते पर सोल उसके इंप्रेशन को ले लेती है अनोविंगली नोविंगली जब सोल ले लेते हम

बहुत कॉमन लोग आते हैं आर देर एनी मोर डॉक्टर इन द हाउस मेडिकल डॉक्टर्स आई थिंक डॉक्टर रितु बाबर ही है और कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप अपनी पर्सनली इसको रिलेट कर सकते हैं इंजेक्शन से बहुत डर लगता है हमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंजेक्शन लगने का पता नहीं चलेगा पर इंजेक्शन देखने का डर बड़ा होता है हमारे को कि इंजेक्शन लगने सुई लगने वाली है

अब टाइम का भी बेसिकली काफी कुछ लिमिटेशन है एक घंटा में हो गया है और शायद मैडम ने मेरे को एक घंटे का टाइम दिया था इसके बाद कुछ अगर आपको लगता है कुछ क्वेरी ऐसे वाली है हालांकि बहुत कुछ आई नो बहुत कुछ होगा ये एक छोटा सा मैंने हीलिंग का मैसेज डाला है कि हम कैसे पास्ट लाइफ में जा सकते हैं और कैसे हम फील करते हैं जो हम बॉडी निकलती दिखा रहे हैं पिक्चर के अंदर ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारी सोल है उसको कार्बन कॉपी किया जा सकता है कॉन्शियस भी रहते हैं जब हम रिग्रेस्ट करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से हम चीजों को देख भी पाते हैं जब हम सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं तो ना तो टाइम है ना कोई डायमेंशन है हम एक ही इवेंट में यहाँ बैठे इंडिया में बैठे भी देख सकते हैं दिल्ली में बैठे भी देख रहे हैं और सेम इवेंट भी हम अपने आप को अमेरिका में बैठे न्यूयॉर्क में बैठे भी देख सकते हैं ना ही कोई डिस्टेंस है हम अपने आप को 2022 में भी देख रहे हैं साथ के साथ साथ दो सौ चार सौ ईयर में भी देख रहे हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन थ्री डी वर्ड थ्री डी वर्ल्ड तीन डायमेंशन है डिस्टेंसिज है यहाँ पे टाइम है स्पेस है इसके बार बार, इसके बाहर बाहर जाने जाने के बाद बाद ना तो टाइम है ना स्पेस होता है अभी जाने का तरीका मैं मोटा मोटा एक और बता देता हूं आपको अलका जी डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दिस एस्टोवर्स आप क्वेरी uh, डाल दीजिएगा शत्रुघन जी थोड़ा सा टाइम है अभी एक बार लेट मी कंप्लीट उसके बाद में डिस्कस करता हूँ आपके क्वेश्चन लेता हूँ नहीं तो मैं फिर वो फ्लो भूल जाते मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ टाइम एंड स्पेस की बात कर रहे थे हम लोग इस डायमेंशन थ्री थ्री डी वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं हम लोग जैसे हम इस स्पेस से बाहर जाते हैं सोल में आ जाते हैं तो ना ही टाइम है ना ही डायमेंशन है ना ही स्पेस है और वो इवेंट पहले ऑलरेडी हो चुके हुए हैं वो इवेंट आप ऑलरेडी हो चुके हैं पहले तो हम बाहर बैठे उन इवेंट को देख सकते हैं आज की मेच्योरिटी के साथ देख एक छोटा सा एग्जांपल मैं बड़ा मजेदार बताता हूं कब बन जाते हैं सुबह जी कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड होगा तो वी विल सेंड इट द ग्रुप और आप जब की जि, जिनकी भी जो क्वेरी रह जाएंगी इसके बाद में थोड़ा टाइम लूंगा मैडम निशा मेरे पास और टाइम है थोड़ा सा सर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके पास काफी टाइम है और मैं... हम लोग तो पे बैठे हाँ। हुए आप सुन रहे हैं और बहुत कुछ सीखने की इच्छा है सबकी मुझे लगता है सभी सहमत होंगे मेरी इस बात से आप जारी रखिए सर बहुत आप लोग कंटिन्यू करना रखिये प्लीज टाइप यस एक यस आई है शत्रुघन जी बस साफ की बाकी लोग लगता है बोर हो गए कोई यस नहीं आ रही है मेरे को लग रहा है की सब लोग बोर होते जा रहे हैं नहीं सर बहुत सारे बहुत सारे ऐसा आ गए हैं देखिए ओके गुड 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 सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सोल जो इवेंट हो चुके हैं उनमें वापिस जाने के तरीके होते हैं टेक्निक है टूल्स हैं जो अभी यहाँ पे सिखाए नहीं जा सकते बट बहुत ईजी से टूल है सिंपल से वर्बल कमांड्स हैं। दो तरीका है सबको माइंड में जाने का एक तो जो हम कॉमनली फॉलो करते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन के साइलेंस में चले जाते हैं साइलेंस में जाने का मतलब है हम रात को गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं पुलिस वाला बैरिकेड लगा के आराम से बैठा होता है एक तरफ चाय पी रहा है छुट्टा लगा रहे मारे हैं उसके अब कोई आने वाला नहीं है तो रास्ता खुल होता है कोई भी अंदर घुस सकता है दूसरा तरीका इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाए डे टाइम में कि उससे कंट्रोल ही नहीं होता तो बैरिकेड हटा के बैठ जाता है जाओ या सबको जाने तो दो तरीके हैं जाने के लिए एक हम मेडिटेशन करते हैं साइलेंस वाली अपने अंदर जाने वाली जिसके अंदर बिल्कुल चुप रहते हैं पर उसमें प्रॉब्लम ये आती है मेजोरिटी को मुझे तो बड़ी आती है कि दिमाग प्रॉब्लम दिमाग रोज की दे, दे हैपनिंग में घूमता रहता है बड़ा मुश्किल काबू करना पड़ता है बहुत टाइम लगता है दूसरे वाला है कि हम मैसेज से इतने स्पीड से ज्यादा मैसेज डालते हैं कॉन्शियस माइंड को कि वो कहता है यार जाओ यार तो मेरी जान क्यों खा रहे हो गो टू तो सब कॉन्शियस माइंड वही अपने आप -अप डिसाइड करेगा फिर दो मेनली टेक्निक्स होती हैं बट डेफिनेटली वी नीड टू लो नो मोर अबाउट द टॉपिक ये टॉपिक बहुत बड़ा है बहुत बड़े का मतलब बहुत बड़ा है कम से कम कम से फुल टाइम लेके चलेंगे तो पंद्रह बीस दिन का टाइम है नौ से चार पाँच छः घंटे सात लगे तो नौ से चार प्रॉपर सीखने के लिए पंद्रह बीस दिन महीने का टॉपिक है ये इतना बड़ा टॉपिक है मोटा मोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया इसके लिए आ, मैं आपको कुछ बताने वाला था फिर भूल गया डायरेक्शन मेरी घूम गई है चलो एनीवे कम बैक टू द टॉपिक हमारे पास एक, एक एस्ट्रोलॉजर के पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती है बट टाइम रेक्टिफाई नहीं होता हमारे पास किसी के पास ईयर नहीं है मेरे पास भी ईयर नहीं था मंथ नहीं है टाइम तो बड़ों की प्रॉब्लम है अब घड़ी जो लेबर रूम में लगी थी रितु बाबा मैम क्या हम टाइमली डिलीवरी के टाइम पे प्रॉपर टाइम देख पाते हैं आई थिंक मुश्किल होता है क्योंकि गाइनेक जो है वो डिलीवरी में बिजी होता है बच्चे की लाइफ के लिए मदर की लाइफ के लिए बिजी होता है और प्रॉपर टाइम नहीं होता कभी घड़ी का टाइम प्रॉपर नहीं होता है एस्ट्रोलॉजर्स को प्रॉब्लम आती है उनको एग्जैक्ट टाइम चाहिए यस जिनका सही टाइम नहीं है ये बड़ी अच्छी यूटिलिटी है हम उसको अनवाइंड करते 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 उस टाइम पे लेके जा सकते हैं जब वो मदर से अलग हो रही हैं डिलीवर इस फिजिकल वर्ल्ड में आ रहे हैं एक टाइम दूसरा टाइम हम उसको वापस उस टाइम पे लेके जाते हैं जब स्पर्म एग के साथ में फर्टिलाइज हो रहा है इन दोनों टाइम को एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं सोल को वापिस घुमा के सोल को पार्टिकली इन टाइम से वापस ले जाके हम एग्जैक्टली बर्थ का टाइम निकाल सकते हैं एक्जेक्ट का टाइम निकाल सकते हैं, हैं। केपी है। करते हैं तो बर्थ टाइम प्रॉपर नहीं है के और भी प्रॉब्लम है वैदिक करते हैं तो हो है। तो जाती है हमारे पास क्योंकि टाइमिंग हमारे उसको राशि को लेके चलते हैं मैक्सिमम नक्षत्र को लेके चलते हैं सो so, एक और ये बड़ी अच्छी यूटिलिटी है

और प्रॉब्लम तो सब एस्ट्रोलॉजी की बहुत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनी anyway, तो निशा मैडम सर आ, अगर सब लोग एग्री हूं वीडियो ऑन करें अपने सब तो मैं एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज दिखा सकता हूं कि सबकॉन्सियस माइंड कैसे कमांड फॉलो करता है जी सर बिल्कुल आई थिंक एवरीबडी विल एग्री प्लीज टाइप यस अगर सब लोग करके देखना चाहते हैं छोटी छोटा एक्सरसाइज दिखाऊंगा मैं आपको कि आप अपने कॉन्सियस माइंड को साइड करके सब कॉन्सियस माइंड में कैसे जा सकते हैं जो कमांड कॉन्सियस माइंड ने दी है सब कॉन्सियस माइंड ने फिर भी फॉलो कर ली सो प्लीज ओके मेजोरिटी ऑफ यू एग्री फॉर इट एग्री तो हो रहे हैं सर वीडियो ऑन भी करना है हाँ, तभी वीडियो, भी, okay. वीडियो, वीडियो भी ऑन करना है ताकि मुझे भी पता चले और जी जिनकी, सर, जिनकी क्वेरीज आई वो वो भी मुझे पता चले मेरे को लगता है मैडम मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा देता हूँ उसके बाद मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा के वीडियोस पे आ जाता हूँ तो देट तो विल मेरे पास भी स्पेस ठीक हो, हो जाएगा करेक्ट यस yes. अगर किसी को वॉशरूम जाना है पानी पीना है अगर थक गए हैं बैठे बैठे तो एक बार उठ लीजिए दो मिनट का टाइम पाँच मिनट का टाइम हम ले सकते हैं एक बार उठ के कम्फर्टेबल होकर बैठ जाएं क्योंकि सब कौन से माइंड प्रोग्राम के लिए कॉन्शियसली भी आपको परसीव होना पड़ता है कुछ भी डिस्ट्रेक्शन रहेगी वॉशरूम जाना है या कोई प्रेशर्स है, हैं हेडफोन टाइट हो गए हैं तो दिमाग उधर ज्यादा जाएगा कॉन्शियस माइंड उधर हमारे को सब कौन से जाना नहीं देगा थोड़ा फ्री करते हैं, थोड़े हो रहे हैं इस स्टेट में बैठने के लिए एक छोटी सी बात है जैसे आपने बताया कि हर सोल का एक पर्पज होता है और वो लास्ट जो थॉट अपने आप में लेके आता है और वो ही कंटिन्यू करता है तो अगर किसी का पास्ट लाइफ में किसी प्रोफेशन को लेके लास्ट थॉट है तो क्या उस थॉट को समझकर स्टूडेंट्स के उस थॉट को समझकर हम उसको गाइड कर सकते हैं कि इस में में आपको किस तरफ के में जाना चाहिए? कर yes, कर भी भी सकते सकते हैं भी कर सकते हैं और जो बच्चों को confusion रहता है confusion का मतलब ये है कि डायलेमा में रहते हैं आज जी. का कॉन्शियस माइंड कहता है कि मुझे <coughs> आज के टाइम में मेडिकल ज्यादा अच्छा चल रहा है इंजीनियरिंग अच्छा चल रहा है चार्टेड अच्छा चल रहा है मेरे को आज के उसमें जाना चाहिए इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है ऐसे वाले में जो मुझे नजर आ रहा है कि मैं अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगा मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल देता हूँ मेरे बेटे को इंटरेस्ट था छोटे वाले को बड़े वाला लॉ कर रहे छोटे वाले बेटे को इंटरेस्ट था मेडिकल में जाने का और मुझे लगता है समूह आगे आगे आने वाले टाइम में मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन होने वाला नहीं है उसके बाद सेकंड उसको बोलते तो हैं उसमें कंप्यूटर साइंस मिल रही है दिल्ली में नीट में मिल रही है पर ज्वाइन नहीं कर रहे अगली उसकी चॉइस आती है बायोटेक्नोलॉजी तो बायो इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है सेकंड लाइन प्रोफेशन लेके चलते हम लोग आप सब लोग जो लोग सब्जेक्ट से वर्ष हैं तो जानते होंगे उसकी अर्निंग इतनी नहीं लेके चलते टेक्निकली अगर इंडिया में रहने तो अपना ढंग से घर चला पाएंगे तो ऐसे केसेस में हम लोग रिग्रेशन में जा सकते हैं और ये देख सकते ये इंटरेस्ट कब आया वो इंटरेस्ट कब बना होगा बायोटेक्नोलॉजी का जिस बर्थ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी बूम पे होगी सोल ने अच्छी अच्छी चीजें सोल अच्छी चीज रखना चाहती है बेकार चीज़ नहीं रखना चाहती अपने पास में वो आज के हालात में चीज चेंज हो गई तो हम इसमें काफी हेल्प ले सकते हैं जो बच्चों का डायलेमा है

जो बच्चे उन सब के बावजूद भी फोकस नहीं कर पाते ट्रिगर सेट करना बोलते हैं आप सब लोग क्रिकेट देखते हैं मेरे ख्याल से अजरुद्दीन को सब लोगों ने देखोग क्रिकेट खेलते हुए जब भी उसको बड़ा शॉर्ट लगाना होता था वो अपना ताबीज निकालता था उसको चूमता था वापिस डालता था अगला शॉर्ट बड़ा होता था जैसे आउट होगा या सिक्स हो जाएगा तो इनको बोलते हैं ट्रिगर लगाना माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर लगा सकते हैं ट्रिगर से बच्चों का फोकस ज्यादा बनता है ज्यादा टाइमिंग दे पाते हैं ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं

ठीक है जी अगर किसी के शू वगैरह टाइट हो बेल्ट टाइट हो तो लूज कर लीजिए शू उतार लीजिए माँ जमीन पे पाँव रखिए माँ अर्थ को टच करें हमारे फीट ताकि वो एनर्जी हमें आ सके बिकॉज ये एनर्जी तो हमारी यूनिवर्स से ही आनी है और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए जैसे जो भी पोजिशन आपको पोस्टर कंफर्टेबल लगता है टाइट ना हो और स्पेक्स जिनके लगे हुए हैं स्पेक्स उतार के रख लीजिए ताकि वो भी नोज़ के ऊपर इरीटेट ना करें आपको हिंग्लिश ठीक है इंग्लिश ठीक है या बिल्कुल हिंदी में बोलू मैडम हि बना, दे बना देता हूं सब के, लिए हो जाएगा। जी। स्पेक्स लगा के कुछ देखना नहीं है जो दिखेगा आंखों से दिखेगा आपको बंद आंखों से इसलिए स्पेक्स उतार लीजिए मैं आके बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा सबको आराम से कंफर्टेबली बैठें क्लोज योर आइस आंखें बंद कीजिए अपने माइंड में इंटेंड रखें कि मुझे हमें सब माइंड को विजिट करना है सोच रखें क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड में भी ये होना चाहिए हमें उस विजिट, उसको विजिट करना है तभी आप अलाउ कर पाएंगे कंफर्टेबल जैसे कंफर्टेबल हाथ पैर रखेंगे अपने लेफ्ट फिट को थोड़ा सा आगे कर लीजिए राइट फिट के बजाय मन में अर्थ मां को प्रणाम करें और शुक्रिया करें हमारे कोई नजर देने के लिए इस मोमेंट को देने के लिए जिस मोमेंट को हम इंजॉय कर रहे हैं अब अपना ध्यान पाव के अंगूठे की तरफ लेके जाइए एक आपको सेंसेशन फील होगी लाइट भी हो सकती है हैवी भी हो सकती है नमनेस भी हो सकती है टिंगलिंग भी हो सकती है इस सेंसेशन को आपने इमेजिन करना है सोल पे पाँव के तलवे पे जाएगी तलवे से होती हुई एंकल पे, लेग्स के लोअर पार्ट पे नीज ज्वाइंट पे फील करें थाइस पे फील करें हिप जॉइंट पे फील करें लोअर बैक पे फील करें अपर बैक पे फील करें कंधे तक फील करें सेम सेंसेन को आप पेट के लोअर वाले हिस्से पे फील करें वो ऊपर असेंड करते हुए चेस्ट मसल में जाएगी चेस्ट मसल अगेन शोल्डर ज्वाइंट पे सेम सेंसन को फिंगर की टिप्स पर फील करें हाथ पे फील करें इस ज्वाइंट पे फील करें फोर आर्म एल्बो आर्म्स शोल्डर ज्वाइंट सेम आपके सिर के मसल को रिलैक्सेशन में फील करें सेम सेंसेशन फील होगी आपको फेस पे फील करें नेक पे फील करें अगेन शोल्डर ज्वाइंट पे फील करें अपने राइट हैंड को सामने किसी चीज पे सीधा प्लेस कर लीजिए जो भी चीज हो साइड में चेयर हो सकती है चेयर का आर्मरेस्ट हो गया सोफे का आर्मरेस्ट हो गया कुछ ना हो तो अपनी थाई पे रेस्ट करेंगे अब मैं आपको कुछ कमांड दूंगा सबको में जाएंगे धीरे 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 फील कीजिए आपका हाथ लाइट होता जाएगा लाइट हो रहा है हैंड महसूस करें अपना पूरा फोकस हाथ की तरफ लेके ले जाएं पैर से एनर्जी आपके हाथ में आ रही है हाथ बिल्कुल लाइट होता जा रहा एक हो है एकदम लाइट हो रहा है एकदम लाइट एकदम लाइट एकदम लाइट एकदम लाइट बहुत लाइट हो रहा है हाथ फील करें बिल्कुल लाइट हो रहा है महसूस करें उसको एकदम लाइट हो रहा है अब आप महसूस करेंगे आपका हाथ उठना स्टार्ट हो गया एल्बो ज्वाइंट से हैंड ऊपर हो रहा है देखते जाए फील करते जाए क्लोज योर योर आईज आईज कीप क्लोज सेट जब तक तो नहीं बोलूंगा तब तक तो ओपन नहीं करेंगे अपने हाथ को देखें हाथ के पाम के ऊपर एक हुक लग गया है वो आपके हाथ को उठाया जा रहा है उठता जा रहा है हाथ उठता जा रहा है उठता जा, जा रहा है स्पीड से स्पीड से और भी ज्यादा स्पीड से राइट हैंड एल्बो पे बेंड होता जा रहा है हाथ उठता जा रहा है हाथ आपका ऊपर उठता जा रहा है हाथ उठ रहे हैं आपका हाथ उठता जा रहा है ऊपर उठता जा रहा है ऊपर उठता जा रहा है ऊपर उठता जा रहा है, है और स्पीड से um ,まあ और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट राइट हैंड आपका लिफ्ट हो रहा है होता चला जा रहा है आपके हाथ को अननोन एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी अपने हाथ को ऊपर खींचती जा रही है एल्बो ज्वाइंट से बैंड होते हुए हाथ उठता जा रहा है फील करें इसको उठता रहा है उठ रहा है और स्पीड से फास्ट 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 बिल्कुल स्पीड से उठता जा रहा है बहुत फास्ट बहुत फास्ट बहुत फास्ट बहुत फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट आपका राइट हैंड उठ रहा है आपका हाँ राइट हैंड उठता जा रहा है और 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 फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट स्पीड से जर के साथ में बहुत स्पीड से राइट हैंड आपका लिफ्ट हो रहा है स्पीड स्पीड से से लिफ्ट हो रहा है आपका हाथ स्पेस में जा रहा है टेन डिग्री हो गया ट्वेंटी डिग्री नाउ फास्ट फास्ट थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री आपका राइट हैंड बहुत स्पीड से उठता जा रहा है यूनिवर्स की फोर्स आपके हाथ को उठा रही है यूनिवर्स की फोर्स आपके हैंड को ऊपर लेते जा रही है और फास्ट और फास्ट, और फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और वेरी 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 अब आप अपनी आंखें खोलिए धीरे से अपनी आंखें खोलिए। राइट हैंड की पोजीशन देखिए प्लीज ओपन योर आइट सी योर राइट हैंड किस किस ने अपने राइट हैंड को बिल्कुल फ्लैट की बजाय ऊपर पाया हालांकि मैंने टाइम कम दिया बहुत ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास बी ऑनेस्ट किस किस को लगा कि आपका हाथ बिना आपके कॉन्शियस माइंड के उठाए हुए लिफ्ट हुआ है सर मेरा तो उठा एनी बड़ी एल्स किसी का नहीं टाइप कर सकते हैं टाइप कीजिए बॉक्स में लालकृष्ण जी प्लीज शेयर यस और नो सावित्री जी यस और भी कई सारे लोग हैं ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी काफी लोगों का नहीं मुझे लगता है कि उनको फील हुआ है जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं और वो जल्दी ही मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच गए टाइम बहुत कम था अगर यही हमने 6 -7 दिया होता तो सभी को एक्सपीरियंस होता हाँ जी मैडम हमने थ्री दिया एंड हाफ हाँ well right. बहुत, बहुत, अच्छा तो हम कॉन्शियस माइंड तो, को सेंडर कर देते हैं जितना हम लॉजिकलाइज करेंगे लॉजिक लगाएंगे साथ में कि ऐसा कैसे हो सकता है तो कॉन्शियस माइंड हमें साथ नहीं देता और खासकर जो पहली बार इस तरह के सेशन में बैठे होंगे उनके साथ थोड़ा इश्यू आया होगा और कम से कम जिनका नहीं उठा उनको बड़ा लाइटनेस सा फील होगा हाथ के अंदर जैसे हल्का हो गया हाथ वेट नहीं ज्यादा है हाथ के अंदर बट डेफिनेटली वी नीड टू मोर गिव मोर टाइम इसके अंदर आपके कॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा लोअर डाउन होना पड़ेगा आपको इन चीजों को मेरे ऊपर बिलीव करना पड़ेगा या जो भी आपको गाइड कर रहा है उसको बिलीव करना पड़ेगा उस कॉन्शियसली उसको फॉलो करना पड़ेगा हर चीज के लिए अगर आप लॉजिकली चाहेंगे कि हम इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो नहीं होगा ऐसा क्योंकि कॉन्शियस माइंड ब्रेक नहीं हुआ क्रिटिकल फिल्टर ब्रेक नहीं हुए सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज नहीं जाने दिया कॉन्शियस माइंड ने जैसे ही सबकॉन्सियस माइंड सेंडर कर जाएगा ये कमांड सबकॉन्सियस माइंड को जाएगी जैसे ही सब कॉन्शियस माइंड को कमांड जाएगी वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा लोगों के यू बिल्कुल यू खड़े पांच सात आमने सामने करते हैं तो वन पे यू खड़े हो जाते हैं हाथ विजिबल होते हैं भारती मैडम Please type your experience. क्या लाइटनेस भी फील हुई या लाइटनेस भी फील नहीं हुई okay. आप तो मुझे मिलने वाले उपमा जी साइलेंस मेथड की बजाय ये मेथड ज्यादा इफेक्टिव है ओवर क्राउडिंग मैसेज टाइम हमारे पास कम था पहली बात दूसरा मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा था यहाँ पे सब वो डेथ में सबकॉन्शियस माइंड को ले जाना नहीं चाह रहा था फिर उसको अप करना पड़ता है क्लोज किए था वापस नहीं इस बड़ा लाइटर सा लेके चला मैं इसको किएसते टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए भी आपको रास्ता चाहिए फिर उसको वापस अप करके लाना होता है कॉन्शियस माइंड को अप करके भी लाना होता है क्लोज करना होता है तो इस वास्ते बोट डेफ्त में ले जाना नहीं चाह रहा था बट आई थिंक मेजोरिटी पीपल फेल्ट या तो हाथ उठा है या लाइट हुआ है एक्सेप्ट जो लॉजिकल ज्यादा है जो लोग ज्यादा लॉजिकल होते हैं उनके सामने प्रॉब्लम आती है कॉन्शियस माइंड उनका स्ट्रोंग होता है और वो कॉन्शियस माइंड किसी की कमांड को फॉलो नहीं करता और जब तक सब कॉन्शियस माइंड में हम नहीं जाएंगे तब तक ये कमांड लॉजिकल माइंड नहीं होने देगा कि सामने वाला बोल रहा है मैं उठाऊंगा आप अब आपकी जो क्वेरीज हो कुछ क्वेरीज में ले सकता हूं प्लीज टाइप क्वेरीज एक्सेप्ट कोई रिपीट करने के लिए नहीं बोलेंगे कोई क्वेरीज होंगी वो बताइए रिपीट करने बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है और वी हैड पास्ट तो कोई क्वेरी है तो प्लीज टाइप क्वेरीज क्या क्वेरी है उसको ले सकते हैं और उसके बाद भी सबकी क्वेरी नहीं ले जा पाऊंगा अच्छा, अच्छा मैडम कहां गए हमारी भारती मैडम उनका क्वेरी हम अनम्यूट कर दे या टाइप कर सकते हो तो टाइप कर दीजिए मैडम मैडम भारती यू कैन टाइप द क्वेरी भारती मैडम अनम्यूट करके so तो एक कर एक so करके अनम्यूट होकर क्वेरी करें पहले वो क्लियर हो जाए उनका वापस अनम्यूट हो जाएगा फिर द्वारा करेंगे सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑपरचुनिटी एंड एंड ट्रूली लविंग दिस नहीं करती हूँ रियलाइज किया आज इस चीज को लेकिन दो तीन चीजें क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी आज की जो जेनरेशन है जो इनकी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है राइट right? वहां पे दे आर गेटिंग इन टू सो मच ऑफ डिस्ट्रेक्शन तो क्या हम उन लोगों की जो ये कॉन्शियसनेस है वो कहीं एग्रीवेट कर सकते हैं हम इस प्रैक्टिस के साथ में बिकॉज हम लोग जो है बच्चों को बहुत हम लोग बहुत काउंसलिंग करा रहे हैं बच्चों को बहुत समझा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं अपने एंड पे जो एज अ पेरेंट या जो भी स्कूल टीचर्स हैं दे ऑल आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट है interest, ना बट वो एक पत्थर हो चुके हैं आप उनको कुछ भी बोल लीजिए उनके यहाँ पे कुछ नहीं जाता है सो so, अभी जब मैं आपको सुन रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि इट्स अ वेरी इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस है ना करें इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं तो वी कैन ट्रांसफॉर्म द होल सोसाइटी द फ्यूचर डिविजन ना जो पूरा का पूरा है सो माय क्वेश्चन इज कि क्या हम इस प्रैक्टिस के साथ में जो बच्चे हैं क्या उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं यस yes, मैडम बिल्कुल किया जा सकता है अब इशू यही आता है आज की जनरेशन जो है ना इसको साइंस को एक्सेप्ट नहीं करती जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब आया तो बेटे की वजह से मैंने उसके ऊपर देखा इफेक्ट तो मैं इसके अंदर और इन्वॉल्व हो गया आज की जनरेशन साइंस के सामने जो एविडेंस बेस्ड साइंस है उससे जो चीज प्रूव होती है बिलीव करती है जो एविडेंस बेस्ड साइंस से प्रूव नहीं होती उस पर बिलीव नहीं करती है तो वी हैव हैव टू टू डिवाइड द साइंस एविडेंस एविडेंस बेस्ड बेस्ड एंड नॉन वी नीड मोर बच्चों के साथ में और इंटरेक्शन करनी पड़ेगी बताना पड़ेगा कि ये नॉन एविडेंस बेस्ड साइंस है कभी किसी टाइम में 1762 में think, में 1762 आई थिंक गैलीलियो गैलीलियो 1662 ने पहली बार बोला था कि अर्थ जो है सूर्य के चक्कर लगाती है उससे पहले हम मानते थे कि सूर्य जो अर्थ के चक्कर लगाता है जिसके लिए उसको पनिशमेंट कर दिया गया था जेल में डाल दिया गया था और सेम चर्च ने क्योंकि चर्च हम रिलीजन तो हमेशा रूल करता रहे सेम चर्च ने सौ साल के बाद में सेवनटीन में सेम चर्च ने गैलियो गैलीलाई से सॉरी फील किया क्योंकि

साइंस के साथ रिलेट करने की कोशिश करता कि हर किसी को समझ में आए बच्चे आज के हमारे समझ सकें तो उसके अंदर क्या है बेसिकली कि उनका कहना यह था कि आने वाले पाँच साल में या मैक्सिम दस साल में हमारे पास में रोबोट इतने कॉमन होंगे जैसे हमारे पास मोबाइल हैं हमारा सारा काम वो करेंगे तो अब आइडियावाज कि आप इतने टाइम के बाद भी अपने इंटेलिजेंस से जैसे आपको सोफिया मैंने दिखाई है सब लोग यूट्यूब पे सोफिया को सर्च करके देखेगा उसके इंटरव्यूज हैं आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये मशीन है या लेडी है आने वाले टाइम में इतनी मिक्सिंग हो रही है साइंस की ह्यूमन बॉडी की विद द कंप्यूटर कि हम देख के ये नहीं कह पाएंगे ये रोबोट है ये ह्यूमन बीइंग है या ये हाइब्रिड है जैसे हम आज के टाइम में कोकुलियर इम्प्लांट नाम की एक टेक्निक है जो बच्चे बचपन से गूंगे और बहरे होते हैं उनके कान के अंदर इम्प्लांट लगा देते हैं कंप्यूटर डिवाइस है वो बच्चे सुनने लग जाते हैं बोलने लग जाते हैं लेट एज में भी होता है ऐसे अभी आईज के ऊपर आंखों के ऊपर काम चल रहा है कि आई सॉकेट जिनके काम नहीं करे आई सॉकेट में कैमरे लगाए जाए उनके कनेक्शन उस अपने ब्रेन सेंटर से, से कनेक्ट किए जाए वो सिग्नल प्रोड्यूस किए जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रोड्यूस किए जाए जिससे वो पहले वॉइस है वॉइस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया उस पार्टिकल फ्रिक्वेंसी का बन गया कि वापस ब्रेन में जाए स्टिमुलेट करे और वो उससे देख सकेंगे तो इस तरह से काफी एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है कि आर्टिफिशियल चीजें पेस मेकर्स आप बहुत कॉमन है हार्ट के लिए लगाने के लिए तो काफी काम चल रहा है हम लोग इंडियन लोग मैं बोलता हूं कि हमारी जो पढ़ी लिखी क्राउड है डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट जर्नलिस्ट ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी साइंस को पीछे करने के लिए अमेरिका के अंदर आज की डेट में रिसर्च चल रही है हिप्नोथेरेपी के अंदर वोकल अंदर के अंदर जिसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है सर्जरी हो रही है मेजर सर्जरी एक स्वीडिश सर्जन थे 1800 कुछ के अंदर बंगाल में आए वो उन्होंने हिप्नोसिस सीखा यहाँ से और 400 मेजर सर्जरी की जब हमारे पे एंटीबायोटिक नहीं था अनस्थीजा नहीं था उस टाइम पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप लोगों हंसी आएगी कि ऑपरेशन थिएटर में एक पीछे की तरफ दरवाजा होता था एक आगे होता था पीछे दरवाजे के बाहर ना घोड़ा बंदा होता था जैसे अगर आपने सर्जरी करते हुए चापों की आवाज सुन ली तो समझो पेशेंट निपट गया और सर्जन भाग गया सर्जन भागे इसलिए पब्लिक मारेगी वो आज के टाइम में भी हो रहा है हमें लगता है आज के टाइम में पीछे दरवाजे बनाने पड़ेंगे बट मेरे कहने का मतलब ये कि इतना डेवलप नहीं था आधे से ज्यादा लोग पेन से मर जाते थे एंटीबायोटिक थे, इन्फेक्शन से और एंटीबायोटिक के बिना सक्सेस रेट वॉज क्वाइट हाई जिसके अंदर मेजर सर्जरी थी एम्पुटेशन थे पैर निकाले गए हाथ निकालने पड़े पेट खोले गए ऐसी सर्जियां की गई हम लोग नहीं कर रहे हैं बट हमारे लिटरेचर से भावे लोग करें जब वो स्टैंप लगा के मार्केट करके इंडिया भेजते थे हम उनसे डॉलर्स में खरीद लेते हैं। सो वी नीड टू मेक अवर जनरेशन मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स वी नीड टू हैव मोर सेशन ताकि वो समझें इन चीजों को एनी मोर क्वेरीज प्लीज एनी एनीबडर हैव किसी की कोई क्वेरी है अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेलो सर जी सर Uh, मेरे सर कोबर हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप एपनिया ओके तो क्या उनके रिसेंट पास्ट लाइफ में जाके उनका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है आपके द्वारा इसको चेक किया जा सकता है आइडिया बीइंग कि जब हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं वेबसाइट इसलिए बोल रहा हूं कि अपने हायर सेल्फ बोलते हैं कनेक्ट होते हैं वहां पे हम रीजन ढूंढते हैं कि क्या रेक्टिफाइबल कर्मा है या रेक्टिफाइबल नहीं वहीं से मिल जाता है एक बात दूसरी बात अगर स्लीप एपनिया के बड़े सारे कारण है नेजल में ब्लॉकेज होता है एंड्रॉयड होते हैं ग्लैंड बढ़ जाते हैं एड बढ़ जाते हैं पूरे पैसे में कहीं ऑस्ट्रक्शन आ जाती है अगर वो सबसेट हो गई है यानी कि ऑर्गेनिक काज आ गया है कि सीजिकल वर्ड का आ गया तो उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है बट साथ के साथ हम उसको सेशन से, से दोबारा ना हो वो उसकी प्रोग्रामिंग हम इसको अनइंस्टॉल करना है मॉडिफाई करना है वो किया जाता है बट ये एक बार एक बार थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक तो नहीं हो गया उनको स्लीप के की तो तो सब कुछ डिपेंड करता है सब कुछ माइंड में, में जाके चेक करने के बाद में आप पहले एक बार ये देख लीजिए कि उनको हमने किसी e सर्जन को दिखा लिया कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन का इस तरह के बहुत सारे सवाल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जितने भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं कोई ना तो कोई प्रॉब्लम सभी के साथ में है क्योंकि हम इस भौतिक वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चीजें हम सबके साथ हैं तो हम सभी चाहेंगे कि आपसे सोल्यूशन मिले और इसी के लिए हमारा एस्ट्रोवर्स परिवार यहाँ पे बना रहे हैं बना हुआ है एक से एक अच्छे विद्वान लोग जो जिस तरह से ह्यूमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते होंगे उनको यहाँ पे जोड़ा गया है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी काम करते हैं जो साइंस के साथ भी काम करते हैं रिसर्च के साथ भी उनके काम है आपको समय समय पर यहाँ मिलते रहेंगे और डॉक्टर श्याम नागपाल हमारे साथ परमानेंटली जुड़े हुए हैं जिनको भी इस तरह के कोई भी सोल्यूशन इनसे लेना है तो हमारे एस्ट्रोवर्स का एक व्हाट्सएप नंबर है जो वहाँ पे हर लिंक के साथ दिया जाता है आप उस पर मैसेज करिए और डॉक्टर आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे इस चीज के लिए और ये सेशन पेड रहेंगे जिनको भी पर्सनली डॉक्टर से हेल्प लेनी है तो ये सेशंस पेड रहेंगे आप एस्ट्रोवर्स के कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा सर टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग जीते जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं अनम्यूट करके बताइए क्या कहना चाह रहे हैं हेलो हेलो हाँ जी मेरा तो मेरा सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है सर कि ये नो डाउट ये वो uh, एक अपॉर्चुनिटी uh, थी uh, हमारे लिए जो इतना शानदार सेशन आज मैडम ने और रेस्टोरेंट फैमिली ने अरेंज किया तो मेरे जनरल क्वेरी uh, था कि यहाँ ये जो Uh, का बेनिफिट स्टूडेंट्स के कहाँ हो सकता है आपकी वॉइस ब्रेक होगी हो प्लीज, तो हो प्लीज। दोबारा बोलें सर मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स के लिए आज की जो जनरेशन है वो ऑलरेडी डिप्रेस है जैसा मैडम ने भी अभी बीच में एक मैडम थी उन्होंने भी क्वेश्चन किया था तो जो अभी अभी के जो जनरेशन है उनके स्टूडेंट्स के लिए कहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है मैं कॉलेजेज में अवेयरनेस टॉक्स लेता रहता हूँ ताकि ग्रुप को इसी ट्वेंटी में कॉलेज में, में मेरी अवेयरनेस टॉक है तो जैसे जैसे टाइम मेरे को परमिट करता है मेरे प्रोफेशन से तो बीच बीच में अवेयरनेस टॉक देता रहता हूँ बच्चों को ताकि वो मैसेज फिर बच्चे अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं फ्रेंड पीयर ग्रुप से डिस्कस करते हैं तो मैसेज कन्वे होता है इसका जिनको इंडिजुलाइज हेल्प की जरूरत होती है देन जा जाते हैं फिर जी उप सर उपमा जी का भी कोई क्वेश्चन है उपमा जी अनम्यूट करिए uh thank you so much nisha ma'am and as it has been quoted by all ये बहुत ही हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इतना अच्छा इतना सुंदर हमें ये सेशन का पार्टिसिपेशन मिला थैंक यू सो मच सर मे भी हो सकता है ये थोड़ा सा मतलब जरा सा कॉन्टेक्ट से थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन हो लेकिन आप इसका लिंक मतलब जोड़ करके समझा पाएंगे शायद क्योंकि ये रेग्रेशन थेरेपी जैसा जो मुझे समझ में आ रहा है या ये प्रोसेस जो है ये एक फिजिकल बॉडी और एक सबकॉन्शियस सोल के बारे में बात करी जा रही है मेरे अभी परिवार में एक इंसिडेंस हुआ इस साल फरवरी में आई लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर वो कार्डेक से अचानक मतलब इट वॉज अ मैरिज फंक्शन और शादी की ही जिस दिन रात में अचानक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई हम लोग सबसे अचंभित हैं कि ऐसा कैसे हुआ क्यों हुआ और अब वो कहाँ है किस पोजिशन में है तो नाउ आंटेन वी डू नॉट हैल बॉडी

Uh, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे आसपास में सोल होती हैं जो हमारे परिवार के हैं फ्रेंड सर्कल हैं जितने लोग आज हम इकट्ठे बैठे हुए हैं हम सब के पुराने जन्मों के कनेक्शन हैं ऐसे ही हम सब लोग मिले नहीं आज ऐसे ही हम सब लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं रोल बदलते रहते हैं जो आज मेरी बीवी है अगले जन्म हो सकता है वो मेरे फादर बन जाए मदर बन जाए बहन बन जाए बेटी बन जाए भाई बन जाए बेटा बन जाए बट ये सोल ही आपस में प्लान करते रहती हैं जो टाइम इन बिटवीन डेथ का टाइम होता है उस टाइम में सोल की प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट बर्थ में मेरे को क्या करना है तो सारी सोल इकट्ठी होती है जो भी डायरेक्टली उनके साथ एसोसिएटेड जैसे आपके ब्रदर हैं उनके बेटे हैं उनकी बीवी है मदर है भाई है बहन है किसी को भी अनवाइंड करके उन इवेंट में ले जाया जा सकता है जिस बर्थ में दोबारा भी इकट्ठे थे जिस बर्थ में वो डिपार्ट हुए तो इसका बेसिक रीजन हम जान सकते हैं दूसरी बात यह है कि डेथ एक ना डेफिनेटिव इवेंट है डेफिनेटिव इवेंट चेंज नहीं होते अब तो आई एम सॉरी फॉर हिम दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड बट आपको जो क्वेरीज है वो क्वेरीज हमारे को पता चल सकती हैं सोल को ऑप्शन दी जाती है तीन ऑप्शन दी जाती हैं कि उन तीन ऑप्शन में सोल जो है एग्जिट कर सकते हैं फिजिकल वर्ग को बिना बीमारी के आमतौर पे आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चों में डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है एक साल के अंदर हम लेके ले, नियोनेटल बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में नियोनेटल डेथ रेट ज़्यादा ठीक होता है होता पार्टिकुलर 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 वही कि बच्चे ज्यादा छोटे वाले बच्चे जाते हैं जिनके इन्वायरमेंट एकदम चेंज हो गए जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया सिक्योरिटी गार्ड के घर में उसकी लोटरी लगी करोड़ रुपए की तो जिस पर्पज के लिए सोल आ रही थी वो उसका पर्पज चेंज हो गया तो सोल जो है एग्जिट कर जाएगी कभी कभी इनका यूटन लाइफ में भी एग्जिट कर जाती है एक सोल पहले आई उसके अंदर आने के लिए आई थोड़े टाइम उसको लगा कि मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया है तो वो सोल फिर एग्जिट करके दूसरी सोल उसके अंदर आ जाएगी तो इस तरह से भारती जी एक मिनट लेट मी कम्प्लीट इस तरह से हमारे को लाइफ में तीन ऑप्शन दी जाती है इन ऑप्शन में सोल

राइट बट एज पर हम लोग अगर बी ऑल आर वेरी स्पेचअल राइट सो हमारी स्पिरिचुअलिटी बोलती है यूनिवर्साइड सोल mm -hmm. right? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसिट होती है दिस द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ओके सो डेथ को जो हम बोलते हैं हम लोगों के लिए वो मरना है बट इन एक्चुअलिटी दिसन बिटवीन टू बॉडीज ठीक है बट अभी आपने बोला कि आपका अगर वो तो इट्स हम हम डिसाइड करते हैं क्या ये चीज अब आपने बोला कि जैसे सपोज अभी आपने किसी के वॉचमैन के घर में जन्म लिया एंड ऑल ऑफ सडन वॉचमैन जो है उसने एक लॉटरी विन करी नाउ से कि अच्छा भैया मुझे तो गरीब आदमी के घर पैदा होना था नाउ ही आई हैव टू लीव दिस बॉडी

सोल का जो थीसिस है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के लिए सोल को जमीन पे आना होता है उन अपने आसपास की सोल सब के साथ डिस्कस करके विद द हेल्प ऑफ अवर गाइड हमारे गाइड होते हैं जो एक्सपीरियंस सोल्स होती हैं जो अब बर्थ नहीं ले रही है अर्थ के ऊपर उनके कोऑर्डिनेशन के अंदर और फर्दर क्रिएटर के साथ में सबकी गाइडेंस के साथ में सबके कंफर्टेबिलिटी के साथ में डिस्कस करने के बाद में कि ये मेरे को काम करना है तो इसको काम करने के लिए आइडियल इन्वायरमेंट में बस क्या है तो वो आमतौर तो पर दो चार पांच फैमिली जैसे सिलेक्ट हो गए कि इस तक ये फैमिली है वो वहां पे एग्जैक्टली हो सकता है तो यस सोल डिसाइड करती है इन विद द अदर सोल जिनको जमीन पे आना है वो रोल पर प्ले करने के लिए जिसको मेरा बहन भाई बनना है दुश्मन बनना है दोस्त बनना है उस पार्ट का उस इवेंट का हिस्सा बनना है उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए आना होता है सोल को पता है सबकॉन्शियस माइंड को पता है यहाँ पे पर कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कॉन्शियस माइंड में मरना पेन मिलना बड़ा दुख की बात है सब कॉन्सियस माइंड कुछ, गया, गया, कुछ गया। नहीं है एंड डेफिनेटली गाइड के साथ में होता है एंड इट काफी सारी सोल एग्जिट कर जाती है कि सिलेक्शन गलत हो जाती है मैं इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ एक लाइव विदाउट नेम आज दिल्ली के आसपास से है फैमिली एक जवान बच्चा आई एम टॉप पर बी टेक टॉप पर यूएस में प्लेस्ड हो जाता है और उसको फोन आता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जाके नोएडा में हमारा वहां से से कलेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी और पोस्ट भी पहुंच जाएगा तो आज के टाइम में बच्चे बड़े इंटरेक्टिव इसी पी -सी लोकल ऑफिस में हो जाएगा माँ बाप है अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है माँ बाप है तो माँ कल को कोई खबर लेनी है कुछ लेनी तो ऑफिस में रहेगा पी आर सिप रहेगी तो अपॉइंटमेंट लेटर बाइक उठाता है लेने चला जाता है रास्ते में एक गटर खुला होता है गटर में गिलता है ऑन द स्पॉट चला जाता है द अनफॉर्चुनेटर मदर ये बात है लगभग साल हो गए इस इस बात बात को को कि कि सर मुझे तो जवाब चाहिए का जिस टाइम पे मेरे उससे थी, we are family, एक ही बेटा है आप की value जानते हैं और he was, he got best package, और वो जाने वाला था वो तो अपॉइंटमेंट लेटर लेने के, के लिए गया था टिकट साथ में थी कल या परसों से चले जाने, ऐसा क्यों किया तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकलती है मदर ने पांच अबोर्शन करवाए थे फैमिली के प्रेशर में बनिया फैमिली है आई थिंक सोसाइटी में जो चलन है हम सब लोग जानते हैं बनिया फैमिली में शादी का मेजोरिटी में आज के टाइम पे रेट फिक्स होते हैं लड़कियों के बहुत कुछ देना पड़ता है तो मदर ने इस लालच में कि लड़की है कल को प्रॉब्लम होगी पैसा बड़ा खर्च करना का पांच अबोर्शन करवाए अब सोल का कहना यह था सोल को बुलाया गया कि भाई आपने एग्जिट क्यों किया उसका कहना यह था कि मुझे फीमेल बर्थ चाहिए था ऐसी फैमिली में चाहिए था अब इनको मेरे को यह बताना था कि जब आपको किसी चीज की जरूरत हो और आपके हाथ से छीन ली जाए तो कैसा फील होगा तो इसके लिए मुझे मेल का बर्थ लेना पड़ा जो इनको चाहिए था आइडियल हालात करने पड़े सोल बड़ी बच्चा जो बड़ा आइडियल था कोई ऐप नहीं बड़ा फॉलोअर टॉपर लड़का ये करना पड़ा और जब इनको उसकी जरूरत थी यानी कि अब मेरी बोली लगाने वाले थे एग्जेक्ट वर्ड थे सोल के इनको मेरी बोली लगानी थी बेस्ट पैकेज लेना था लड़की हिसाब से चूज करनी थी ये टाइम आ गया था मेरे जाने से पहले इसकी तैयारी करे थे तभी मैंने इस वर्ड को एग्जिट कर दिया ताकि इनको ये लेसन मिले और इस अवेयरनेस के बाद में और चेंज क्या आता है उनके अंदर कपल को उससे पूछा हस्बैंड से पूछा गया भी, आपने क्यों सपोर्ट किया कहते मैं वाइफ को लूज नहीं करना चाहता घर वालों का प्रेशर था तो उस पैसे में मेरे को आई के चलो चलोशन करा लेते हैं मेरे कम से कम मेरे साथ तो रहेगी अब इस कपल ने क्या लेसन लिया कपल को ओरिएंटेशन होगी जो हम कॉन्शियस वर्ड में फिजिकल वर्ड में पैसा इकट्ठा कर, कर ये कर बेटा बेटी करते रहते हैं अवेयरनेस होगी वो फैमिली आज की डेट में भी बारिश होती है अपने कैसों से अपने खर्चों से ढूंढती फिरती है यार कोई गटर वटर ऐसा ना हो जो खुला पड़ा हो दोबारा में से अपना हो जाए ये रियल स्टोरी है आई होप भारती मैडम आपका क्वेरी क्लियर होगी लास्ट क्वेश्चन सर मुझे पूछना चाहिए प्रारब्ध के संचित पापों को कैसे घटाया जाता है जो हमने प्रारब्ध के संचित पाप किए हैं जाने अनजाने में किए हैं तो बाय डेस्टिनी के पाप और बाय वर्तमान के पाप उसको आ, कैसे आप जोड़ेंगे आनंद जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली वे टू मोक्सा मैंने एक स्लाइड बनाई थी वो मैंने अपलोड नहीं कर पाया वे टू मोक्सा हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड के अंदर जो ये यूनिवर्स है इसके अंदर हमने कर्मा करने हैं और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड में रिपल पैदा नहीं करनी रिपल रिप्पल नहीं करनी हमने पानी में पत्थर फेंकना है वेव्स नहीं बनानी है। जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे यानी कि वी आर परफेक्ट के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड से हम क्रॉस करके हायर वर्ड में जाकर लर्निंग कर ली अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है एक तो अब हम रिपल पैदा ना करें दूसरा जो पहले कर्मा की रिएक्शन हम शुरू कर चुके उनको कैसे खत्म किया जाए हम रिग्रेसिव थेरेपी से उन इवेंट पे जाते हैं जो जो रिपल पैदा कर रहे हैं ये हमारा एक इवेंट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे एक बार से आप लोगों से बात करने का हो दस बार से हो बीस बार से हो सौ बार से इवेंट इकट्ठा हो के आज का इवेंट बना हो उन हर इवेंट पे जाके जैसे मैं बताया था कि एक सिंपल हम रिलेट कर सकते हैं कि हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मान लो हमारे फोन में वायरस आ गया है हम उस वायरस को निकालना चाहते हैं पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से तीन पत्ती खेल रहे उससे आ गया तो हम लोग सेटअप में जाएंगे तीन पत्ती को अनइंस्टॉल कर देंगे सेम वे यहाँ पे जो हमारी सोल ने हैवी इंप्रेशन लिया था हम वहां पे जाएंगे उसको रीप्रोग्राम कर देते हैं बट उसके बावजूद भी कुछ प्रलब्ध करना बचे होते हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे उसको हम नहीं काट सकते जो हमें फेस करना ही है बाकी वाले को मॉडिफाई कर सकते हैं और ये चून होते हैं नाइनटी एट टू नाइन नाइन परसेंट कर्म ऐसे होते हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है So, तो डॉक्टर नागपाल और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मैसेज में आई दो भी है की हम दोबारा ये सेशन करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी की दोबारा हम लोग जल्दी मिले जी मैम जी मैम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने इतना अच्छा टाइम दिया ताकि सबसे इंटरेक्शन हो पाई हमारी जी सर आपने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए आई होप आई होप सबको जवाब मिला हाँ और बहुत सारे अभी अनआंसरड हैं वो चाहिए तो इसलिए सभी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी आप मिलें आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल लेते रहिए मैं जैसे-जैसे टाइम बीच में मिलता रहेगा कि क्वेरी क्लियर करता रहूंगा

वो इस चीज को समझ भी पा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी तक इन चीजों से अंटस्ड हैं उनको ये फील नहीं आ पा रहा है कि किस तरह से सोल कैसे रिएक्शन दे सकती है या कैसे मैसेजेस दे सकती है तो जितने लोग आज यहाँ कनेक्ट हुए हैं कुछ दिन मेडिटेशन करिए कुछ दिन अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करिए नेचर से कनेक्ट करिए नेक्स्ट टाइम जब सर हमारे साथ होंगे तो आप डेफिनेटली उनकी बात को भी समझ पाएंगे और जो आज छोटी सी एक्टिविटी सर ने कराई थी ऐसी ही कुछ और एक्टिविटीज होंगी उनको फिर आप एंजॉय कर पाएंगे उनके पार्ट बन पाएंगे तो ये बहुत जरूरी है कि हमको नेचर से कनेक्ट होने के लिए क्योंकि हमारी जो सोल है वो एक एनर्जी ही है और वो एनर्जी बाहर भी एग्जिस्ट करती है और वो हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती है जब दोनों एनर्जीज आपस में कनेक्ट होती हैं तो फिर हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं एक बात तो फिर भूल ना जाऊँ मैं बेसिकली uh, जब हम मेडिटेशन करते हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं बट जब हम सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं हमें ये होता है हम अब जाके वहां करना क्या है एनर्जी मिल गई स्ट्रेंथ मिल गई सब कुछ मिल गया पर हमने वहां कुछ एक्टिविटीज तो कर ही नहीं पाए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद में कॉन्शियस माइंड कम हो जाता है उसने डेक्टिव खुद जा नहीं पाते पहली बात दूसरी बात अगर चले जाएंगे तो कॉन्शियस माइंड नीचे हो जाएगा हमने एक्टिविटी कॉन्शियस माइंड से करनी होती है

तो कम से कम शुरुआत करें अगले सेशन तक मैडम सबके तो पास एक्सपीरियंस होंगे कुछ और मैडम जी जी शत्रु जी मैं, मैं जानना चाह रहा था अगर सर का कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको भी हम लोग आ, आ, देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली सब्जेक्ट था और थोड़ा डिटेल में अगर जानकारी मिलेगी और वो देखने को मिलेगा तो शत्रु जी आपको बढ़ा आप भी एस्ट्रोवर्स के साथ जुड़े हुए हैं और सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगे भी जुड़े रहेंगे सर समय समय पर आते रहेंगे और हमारी क्वेरीज को आंसर भी करते रहेंगे तो कोई बात नहीं हम लोग आगे मिलेंगे सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्याम नागपाल सर थैंक यू मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आप, आप सब लोगों का इतना टाइम देने के लिए और प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक्चुअल टाइम ज्यादा हो गया तो अब माफी चाहूंगा मैं आपसे जल्दी मिलेंगे जल्दी मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे थैंक यू मैडम थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू ऑल थैंक यू yeah